बिहार में अफसरशाही, घोटाला, अपराध जैसे कई ऐसे मुद्दों पर विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते रहे हैं। इन सब पर बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने, खासकर तेजस्वी यादव के आरोपों पर उन्हें उनके पिता लालू यादव द्वारा किए गए चारा घोटाले को याद दिलाया। विशेष जानकारी के लिए चले चलते हैं पटना। बिहार में जिस तरह से आपराधिक घटना बढ़ती जा रही है और अफसरशाही का मामला जो विपक्ष उठाते आ रहे हैं, उस बात को लेकर के आज ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव को पत्रकारों ने सवाल के घेरे में लिया और उस सवाल में पूछा गया कि आप पर जो पार्टी पर सरकार पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि दल बदल हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, इस मामले पर विजेंद्र यादव ने साफ साफ कहा कि आपराधिक घटनाएं किस समय कब हुई है और किसके समय में ज़्यादा हुई है, ये पहले आरोप लगाने वाले यानी तेजस्वी यादव पहले पीछे पलट के देख ले। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव के बारे में विजेंद्र यादव मंत्री जी, जरा सुनिए। बड़ा गंभीर आरोप, जिस समय में पैदा हुए थे, बिहार पहला राज्य है जहाँ खजाने से ही पैसे की लूट हो गई थी। आज तक इतिहास नहीं है दुनिया में कहीं, खजाने से ही पैसे गई थी चारा घोटाला में, और उसी चारा घोटाला के प्रोडक्ट हैं वो। उसको जो ज्ञान होगा, जो माँ बाप का ज्ञान होता है, वही ना बच्चे बोलते हैं। लगातार कह रहे हैं कि आपराधिक घटना घट रहा है, महाजंगल राज आ गया है, फिर भी जो है लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार चुप है, कार्रवाई हो रही है कि नहीं, कौन पकड़े नहीं जा रहे हैं। 200 साल पहले अंग्रेजों ने CRPC ITC बनाया था, आज ब्रिटेन में जेल खाली है क्या? अमेरिका में क्राइम नहीं हो रहा है क्या? राष्ट्रपति की भी हत्या हुई, इस देश में भी प्रधानमंत्री की हत्या हुई। अपराधी दुनिया में राम है तो रावण भी है, कृष्ण है तो कंस भी है। सब कानून मानने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, कम लोग कानून तोड़ने वाले होते हैं, इसीलिए तो कानून बनता है। नीतीश कुमार अस्वस्थ हो चुके हैं और उनका इकबाल खत्म हो गया, बहुत गंभीर आरोप लगाते थे जो यादव अपराध को लेकर। क्या इकबाल खत्म, कितना काम हो रहा है? इतना काम जो हुआ उसके पिताजी के समय में हुआ था क्या? गांव में सड़कें बनी थी क्या? बिजली की क्या स्थिति थी? शिक्षा की क्या स्थिति थी? रोजगार का क्या स्थिति था? आज तो हर क्षेत्र में बाहर के लोग भी इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, ये दिखाई नहीं पड़ता हमको। पिछले चुनाव में भी कितना शानदार प्रदर्शन हम लोगों का रहा, उसका क्या स्थिति रहा? 40 में कितना सीट जीते हम लोग? लगभग 30, और कम ही सीट से हारे, जो भी सीट हारे हैं हम कम ही वोट से। सर, ये नीतीश कुमार के उधर जाने की बहुत चर्चा बीच में चली, उसके बाद लालू यादव, नीतीश ने तो मना कर दिया कि नहीं जाएंगे, लेकिन लालू यादव जब ये बकवास है, वो कह रहे कि नहीं आए तो नहीं आए, लालू यादव नहीं, ये बकवास है। हम लोग NDA में हैं, NDA में रहेंगे। नवंबर महीने में तेजस्वी यादव जनता के बीच भी जाएंगे अपने कामों को लेकर, 17 महीने जनता के बीच से वो आए हैं क्या? बाप की कृपा से आए हैं, उसकी पैदाइश ही हुई मुख्यमंत्री के हाउस में, जनता के बीच में जाके क्या करेंगे? पिछले दिनों भी जो जनता के बीच में गए थे, क्या हो गया? तो आपने सुना, विजेंद्र यादव ने उन्हें चारा घोटाला का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव को याद दिलाया कि आप अपने पिता के ज़माने की बात को देखिए, उस समय आप लोग छोटे थे, आप लोगों को कुछ भी पता नहीं है और उससे बड़ा घोटाला कभी नहीं हुआ, और आज जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं वो नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश कुमार बेदाग है। दूसरी तरफ, जब विजेंद्र यादव चूंकि ऊर्जा मंत्री है और यहाँ बिजली की समस्या को लेकर के जब सवाल किया, तो बिजली बिल ज़्यादा आ रही है, लोगों को एक बार रिचार्ज करने के बाद फिर से रिचार्ज करना पड़ रहा है, ये सारी समस्या पर भी विजेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है, जरा आप सुनिए। मंत्री जी, स्मार्ट मीटर से लोगों को परेशानी हो रही है, दो दो बार बिजली बिल जमा करना पड़ रहा था, आता है था भी सवाल खड़े किए। 44 से 44 लाख से अधिक लोगों को स्मार्ट मीटर लग गया, अगर लोगों को कठिनाई होती तो भयंकर रूप से परेशानी होती। गलत बिजली का बिल जो प्रयोग करते हैं उसको नियंत्रण होता है और गड़बड़ी कहीं होती है तो उसकी शिकायत निवारण किया। लेकिन अवैध तरीके से बिजली बिल आ रहा है सर,
अवैध तरीके से नहीं आ रहा था। मैंने बताया कितने लाख लोगों को लगा है तो भयंकर रूप से विरोध होता। ये दुर्भाग्य है, इस देश में कोई नई चीज़ आती है पहले लोग विरोध करते हैं, बाद में फिर मोबाइल आया था तो उसमें विरोध हो रहा था, अब बाद में उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। मशीन में गड़बड़ी कहाँ होती है? आदमी भी गलत बिल दे देता है लेकिन मशीन स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है तब भी गड़बड़ हो रहा है। क्या किया जाए? फ्री बिजली दी जाए क्या? दो बार रिचार्ज करना पड़ रहा है मंत्री जी, तब भी नहीं। कहीं ऐसी घटना होती है उसको ठीक किया जाता है, बाजब के उसमें सिस्टम बना हुआ है कि आप तुरंत कीजिए, कार्रवाई होगी। ठीक है, तो आपने सुना उन्होंने कहा कि जितनी बिजली आज के डेट में उपभोक्ताओं को मिल रही है क्या उतनी बिजली आरोप लगाने वाले यानी तेजस्वी यादव भी आरोप लगाया करता है इस बात पर, क्या उस समय दिया करता था? नहीं। तो अभी नई चीज़ है और प्रीपेड मीटर की जो बात है, उस प्रीपेड मीटर की जो व्यवस्था है वो नई है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और जहां कोई बड़ी गड़बड़ी हो रही है उसे हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।